धामपुर में पीएनबी बैंक की मंडी शाखा से हुई जनपद की सबसे बड़ी बैंक लूट की घटना के लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। बताते चलें कि लगभग एक महीने पहले बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में बैंक के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 91 लाख से भरा कैश बैग लूट लिया था और बड़ी ही आसानी से फरार हो गए थे। घटना के बाद जनपद भर ही नहीं वरन गैर जनपदीय पुलिस को भी घटना में मदद के लिए बुलाया गया था, लेकिन लूट कांड को एक माह बीत जाने के बाद भी जनपद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। और तो और, हाल ही में बदमाशों ने धामपुर के एक बड़े उद्योगपति के घर शाम ढलते ही लगभग 1 लाख की लूट को अंजाम देकर धामपुर पुलिस को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। लूट कांड के खुलासे में लगी टीमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए डीआईजी ओमकार सिंह धामपुर कोतवाली पहुंचे और खुलासे को गठित चारों टीमों से अलग अलग समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी है कि कब तक घटना का खुलासा होगा, लेकिन पुलिस को लूट कांड में कई सकारात्मक बिंदु मिले हैं और जल्द ही लुटेरों को पकड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। में जैसे लगी हुई है, किन लोगों ने क्या काम किया और कहां उनको क्या बाधा है, क्या अड़चन है, कैसे उसको और आगे करना चाहिए, उस बात के लिए मैं आया था। बेसिकली सबसे अलग अलग हमने बात की, उनकी बात को चारों की कोशिश की कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जी। तो हमारे लिहाज से तो हर काम में कोई ना कोई प्रगति है। अच्छा। लेकिन आपके लिहाज से प्रगति तब मानी जाएगी, जनता के लिहाज से प्रगति तब मानी जाएगी जब कोई आदमी गिरफ्तार हो जाए या कोई बरामदगी हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं आप? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है ना कि ये काम एक तो होता है सड़क बनाने का काम, तो सड़क बनाने में ये है कि भाई आपके पास गिट्टी है और मोरंग है, ये बाजार में मिली रही है जी, जी। तो आप सुबह देखेंगे तो 3 फीट बन गया, फिर दोपहर में देखेंगे तो 4 फीट बन गया, मैंने हर क्षण कोई ना कोई वो फिजिकली आपकी आंखों से दिखाई पड़ेगा कि बन गया। लेकिन पुलिस का काम ऐसा होता है कि ये एकदम से जब होगा तो फिर मतलब 60% 70% हो जाएगा। भाई एक आदमी जैसे मिल गया तो हम कहेंगे भाई 70% काम हो गया, बरामदगी हो गई तो हम कहेंगे 100% हो गया, लेकिन जब तक नहीं हो गया तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो लोड किया जा अब वो तो देखिए भाई मेरे, हम पुलिस में हैं, हम पुलिस को सुधारें, पुलिस में जो कमी है उसको ठीक करें। बाकी तो हर घटना जितनी भी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमी होती, तभी तो घटना होती है। लेकिन अब वो तो उनका सुधारने का काम नहीं है, मतलब ये किससे अलग से विषय मैं कह रहा हूँ। जैसे कभी हम देखते हैं समाज में कि भाई एक लड़की एक लड़के के साथ चली गई, समझ रहे आप जी। तो अब अगर आप उसकी मीमांसा करेंगे तो कहीं माँ की भी कमी नज़र आएगी, बाप की भी कमी नज़र आएगी, लेकिन अब हम ये उसके माँ बाप को थोड़ी ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम तो हमारा काम ये है कि भाई हम उस लड़की को बच्ची को बरामद करें, उनके माँ बाप को ला के सौंपें, ये हमारा काम है, इसको हम करेंगे। और हमारा कोई साथी अगर इसको करने में कमजोरी दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हमारा काम है। अब हमारा ये हक नहीं है कि हम उसके माँ बाप को कहें भाई तुम अपनी बच्ची को ठीक से क्यों नहीं रखा तुमने। अभी तो उनके सोचने का विषय है, या आप जैसे भले आदमी उनको कह सकते हैं भाई कि हाँ ये चीज़ तुम्हें करना चाहिए। अल्टीमेटली परेशानी तो पुलिस को ही होती है, जैसे क्या अब वो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक बात उससे घटना हुई 91 लाख की, सारी पुलिस उसमें लगी है खुलासे के लिए, तो यहाँ कोई मामला होता तो कोई फोन भी करता तो घंटों तक कोई जाता ही नहीं है, घंटों तक पहुँचता ही नहीं मौके पर। ये पॉइंट मैं देखूंगा, ये मैं कप्तान साहब को बता दूंगा करें, क्योंकि मतलब जिले में किसको कहाँ कितना तैनात करना ये तो उन्हीं का काम है। अब इस जिले में एटाल मतलब हम तो इस जिले में ट्रांसफर कर देते हैं, हमारा काम तो इतना है। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग ये बात कह रहे थे तो थोड़ा और कहीं सर अभी एक ठीक